إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين हर किस्म की बड़ाई किबरियाई और हमदो सना उस अल्लाह वादहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक़ो ज़ेबा है जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको पैदा फ़रमाया और बेशबहा अनगिनत नेमतों से नवाजा। बादहु सलातो सलाम व तमाम ही अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व सलाम से लेकर मेरे और आपके आखिरी नबी आकाए नामदार ताजदार मदनी साकी कौथर शाफ़ महशर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात का रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर महबूज़ फ़रमाया अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैह। काबिले एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस मुख्तसर से हमदो सलात के बाद अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से सूरह अनकबूत की एक बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत करीमा मैंने मसनून खुतबे के बाद आपके सामने पढ़ी है। ये आयत करीमा असल में उलमाए किराम खुतबाए किराम हालात हाजरा को उनवान जब बनाते हैं तो इन जैसी आयात को अवामुन नास के सामने पेश करते हैं, लिहाजा मैंने भी मुनासिब समझा कि इस आयत करीमा की रोशनी में आज के खुतबे जुमा में कुछ बातें आपकी खिदमत में रखी जाएँ। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस वक्त हमारा जो मुल्क है ये तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। रोज़ाना दिन ब दिन हमारे मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और बिलखसूस इसमें मुसलमानों की जो मौजूदा सूरत हाल है ये इंतहाई नाकाबिल बयान और अफसोसनाक है। रोज़ाना आए दिन कोई ना कोई दिल खराश वाक़या हम सुनते हैं, हमको तकलीफ़ होती है, हमको गम होता है। एक ज़ख़म अभी मुसलमानों का भरता नहीं है कि दूसरा ज़ख़म मुसलमानों को आ जाता है। पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ज़ुल्म व ज़ियाती की कार्रवाइयाँ, तशद्दुद की कार्रवाइयाँ, जबर व तशद्दुद और इसी तरीके से खौफ और दहशत का रवैया ये आम है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ गैर मुसलिमों के दिलों में इस कदर जहर घोल दिया गया है कि वो इस्लाम का नाम सुनते हैं, मुसलमानों का नाम सुनते हैं, टोपी और दाढ़ी की बात अगर होती है, बुर्का और हिजाब की बात होती है तो वो मुश्तइल हो जाते हैं, भड़क जाते हैं।
और इसलिए रोज़ाना हम और आप ये ख़बरें सुनने को हमें मिलती रहती हैं। मसाजिद पर कब्ज़े की बात, मदारिस पर कब्ज़े की बात या पाबंदी की बात हो, पूरी तरीके से हुकूमत की सरपरस्ती में सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को उनसे उनको उनके दीन से भी दूर करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। दुआ करें अल्लाह ताला इसमें उनको नाकामी फरमाए और अल्लाह ताला मुसलमानों को कामयाब करे। यही वजह है कि वक्फ जो मुसलमानों की अपनी ज़ाती मिल्कियत और प्रॉपर्टी है, उस पर भी पूरी तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। दुआ करें अल्लाह ताला ये कोशिश भी नाकाम फरमा दे। अलगर्ज कहना ये है, बातें बहुत सारी, कौन कौन सा ज़ख़म मैं आपके सामने रखूं और कौन कौन सी दर्द मैं आपके सामने बयान करूं। जुमा का ये मौका रहता है, मुख्तसर होता है और बात मुझे समेटनी भी रहती है। चार जानिब से आप यूं कह सकते हैं कि मुसलमान निशाने पर हैं और उनको मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हुकूमत का मामला ऐसा है कि जालिमों को सजा देने के बजाय उल्टा उल्टा उनकी हिमायत की जा रही है, और इंसाफ करने वाले आँखों पर पट्टी बांध करके और कानों में कान उनकी कुव्वत समाअत से बहरे हो चुके हों। मजलूमों की मदद करने के बजाय उल्टा मजलूमों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और उनके घर और मकानात मिसबार किए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं। मैं आपके सामने कौन सा दर्द बयान करूं? अभी हाल ही में संभल का वाकया, ज़िला संभल, शहर संभल का वाकया जो हुआ है, वो हमारे और आपकी नज़रों से मख्फी नहीं। यह और बात है कि दुनिया में हम ज़्यादा ही मशगूल हैं और हमें ऐसे वाकयात पर आँख खोलने की भी हमें तौफीक नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सुधरने का अल्लाह मौका नसीब फरमाए। 5 मुस्लिम नौजवानों को गोलियों से उड़ा दिया गया, सैकड़ों अफराद पर मुकदमा FIR दर्ज किए गए हैं, हज़ारों मुसलमान शहर और गांव खाली करके चले गए हों, औरतें बिल्कुल और बच्चे और बच्चियां सब बिल्कुल कराह रहे हैं, बिलक रहे हैं, वो सब खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है, बदअमनी का माहौल है और आफियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम आपके सामने क्या बात रखें और कौन सी बात करें? पिछले जुमा मैंने एक उनवान उठाया था, सोचा आज उस पर बात करें। 2 दिन कबल ये हालात ऐसे आ गए कि फिर आपके सामने वो मौजू वहीं का वहीं रह गया। बस अल्लाह से, मिंबर रसूल से दुआ करके मैं कुछ पैगामात रखूँगा इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला मुसलमानों पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाए, हर तरह से अल्लाह ताला अपने गैब से अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए। दीन है, ईमान है, अकीदा है, इस्लाम है, अखलाक है, किरदार है, कैरेक्टर है, जान और माल है, इज्जत है, आबरू, अल्लाह ताला मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा और मेरे भी जहन में बार बार आया सवाल ये हो रहा है और ये उठ रहा है कि आखिर ये उम्मत मुस्लिमा जो दुनिया की सबसे अफजल तरीन ये उम्मत, सुबहान अल्लाह, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा गया, दुनिया की सबसे ये बुलंद और बाला कौम, दुनिया की सबसे बरतर ये कौम, सुबहान अल्लाह, जिनकी सारी दुनिया जिनके उलूम व फ़नून का मोहताज थी, जिन मुसलमानों के सरों पर कभी ताज हुआ करता था, सुबहान अल्लाह, इज़्ज़त और सुरखरुई अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई थी, आज ये मुस्लिम उम्मा और ये कौम मुस्लिम सुबहान अल्लाह क्यों ये पसपाई की तरफ और जिल्लत की तरफ जा रही है? क्यों आज इनको वो लोग जो कभी इनके सामने आँख उठा करके बात करने की जिनको जरूरत नहीं थी, आज ये मुसलमानों को मिटाने के दर पर हैं और मुसलमानों को निशाने पर रखे हुए हैं। मुसलमानों का माजी इतना शानदार था, इतना रोबदार था, सुबहान अल्लाह, कि बड़े बड़े गैर मुस्लिम हुक्मरान अपने मुल्कों में बैठ करके मुसलमानों के नाम से कांपते थे। आज एक ऐसा दौर आ गया है इस हमारे अपने मुल्क में कि बच्चा बच्चा हमारा दुश्मन बना हुआ है। मैं ये सारी बातें तो नहीं करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वक्त की हमारे पास तंगी है। तजज़िया आप भी करें, गौर आप भी करें, तदब्बुर आप भी करें, ये हालात क्यों बने, कैसे बने, और अल्लाह ना करे आगे आने वाले जो हालात है कहीं इससे बदतर ना हो जाए। दुआ करें अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे।
वो हदीस पहले मैं आपके सामने पेश कर दूं। रावी हदीस सुनन में हदीस आई, बड़ी मारूफ और मशहूर हदीस है। रावी हदीस थौबान रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, यू शकुल उम्म अन तुदा अलैकुम कमा तुदा अल आकिलतु इला किसअतिहा। जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब है एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा जब दुनिया के सारी कुफार कौम अल कुफार मिल्लतु वाहिदा उस जात पात में होने के बावजूद, उनके धर्म और अदियान अलग होने के बावजूद, उनमें छूत और छात होने के बावजूद, सारे कुफार ताकतें एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी और मुसलमानों पर ऐसे पिल पड़ेंगी, ऐसे नोश खाएंगी जैसे कोई भूखा आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सच कहें तो ये दौर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वल्लाह बताता हूं, बड़ी बड़ी रैलियां आप देख लीजिए, आपको क्या लगता है, आपने कभी महसूस किया है ऐसी गफलत की जिंदगी जीने वालों? जब फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक दौर ऐसा आएगा जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर ऐसे पिल पड़ेंगी, टूट पड़ेंगी जैसे कोई भूखा आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है। एक सहाबी ने पूछने वाले ने पूछा ओमिन किल्लतिन यौमैदिन नहनु या रसूलुल्लाह, क्या उस रोज हमारी तादाद कम होगी, कलील तादाद में होंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, बल अंतुम यौमैदिन कसीर वलकिन्नकुम गुसान का गुसा इसल। आपने फरमाया तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी सुभान अल्लाह, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी, तुम्हारा रोब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारी शान और शौकत, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारा डर अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से निकाल देगा। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा रोब, तुम्हारा दबदबा दुश्मनों के दिलों से अल्लाह निकाल लेगा, तुम में अल्लाह ताला एक बीमारी पैदा कर देगा जिस बीमारी का नाम है वहन, अल वहन, जो बीमारी पैदा कर देगा। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह वमल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज का नाम है, ये वहन कौन सी बीमारी है? अल्लाह की कसम है, बात अगर आप मेरी समझ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मिंबरे रसूल पर मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने कुछ हक अदा कर दिया है। दुआ करे अल्लाह ताला समझने की तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम आप हकीमुल उम्मत थे सुभान अल्लाह, आपने उम्मत की बीमारियां बताई हैं और दवा और इलाज भी बताया। कुर्बान जाए ऐसे नबी रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने क्या फरमाया अल्लाह और आंख और सुनिए, आप ये जुमा का मौका है, नींद बड़ी जल्दी नहीं आना, 30 मिनट के बाद आप सोना जाके घर पे, मुझे माफ फरमाएं, आप ये 30 मिनट गुजार लीजिए किसी तरीके से, उसके बाद घरों में जाकर के अच्छी नींद करो, अल्लाह तुम्हें सुकून नसीब फरमाए, यहां जागते रहने की अल्लाह तुम्हें तौफीक नसीब फरमाए, यहां जागो दुनिया में जाकर के सो, लेकिन यहां आंखें खोल करके बैठो। सुनिए आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वहन अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। पूछने वाले ने कहा यह क्या है, आपने फरमाया हुब दुनिया व कराहियतुल मौत। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दो बीमारियां हैं और इलाज भी बताया है मोहम्मद अरबी ने कहा। ये क्या है दो बीमारियां, एक है दुनिया की शदीद तरीन मोहब्बत, इस तरह दुनिया में डूब जाओगे, ऐसे दुनिया में डूब जाओगे अल्लाह की कसम है, ना फराइज का कोई ख्याल, ना सुनन और वाजिबात की कोई पाबंदी। वह कराहियतुल मौत, तुम्हारे दिलों में अल्लाह तबारक व ताला मौत का डर, मौत का डर आ जाएगा, हमेशा तुम मौत से डरोगे, मौत का नाम सुनकर के तुम्हारे बदन में कपकपी आ जाएगी। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातो सलाम ने बीमारी क्या बताई है, दुनिया की मोहब्बत, ये पहली बीमारी है, और दूसरी बीमारी क्या है, मौत का डर। अगर और इसी में इलाज क्या है, ये दोनों बीमारियां दूर कर लो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारा जैसे माजी शानदार था, ये आज भी तुम्हारा हाल भी इंशाल्लाह शानदार होगा इंशाल्लाह बोलो, और मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें कामयाबी अता करेगा। दुनिया तुम्हारी जेब में ना हो, दुनिया तुम्हारे दिल में ना हो, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो, कहा हो, दुनिया मिट्टी में होनी चाहिए, और इसी तरीके से मौत का डर नहीं होना चाहिए, मौत होगी तो अल्लाह से मुलाकात होगी इंशाल्लाह बोलो, अल्लाह से मुलाकात कब होगी,
ये दुनिया से जाएंगे तभी तो ना, और अल्लाह से मुलाकात ये दुनिया की सबसे अजीम तरीन नेमत है। सुभान अल्लाह, एक मोमिन के लिए और क्या बात हो, बात होनी चाहिए जब वो अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा। सुभान अल्लाह, बात मैं अपनी समेटूंगा। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सलाम ने इस अदीज रसूल के अंदर उम्मत की कामयाबी का राज, उम्मत की तरक्की का राज, उम्मत की फलाह और बहबूदी का राज और उम्मत की शान और शौकत का राज आप सलाम ने बता दिया है। इस हवाले से मेरे भाइयों, मेरी आपकी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? जब मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, समाज बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं, मुल्क के हालात इंतहाई नागुफ्ता भी हैं और खराब हैं, और दिल खराश वाकयात हमें रोजाना आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं, बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत कुरान और हदीस पर चलने वालों के लिए मेरी आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं दो चार बातें जल्दी में बता करके इंशाल्लाह, और बहुत सारी बातें उलमा ने लिखी हैं, आने वाले इंशाल्लाह खुतबे जुमा में मुमकिन है कुछ और बातें आ जाए। लाइए, इस हवाले से अल्लाह के कलाम में आयात भरी पड़ी हैं। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी बेशुमार है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा। समाज बिगड़ा हुआ है, मुल्क के हालात खराब है, सब कुछ सही नहीं है, तो मेरी आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? मुल्क को सुधारने से पहले, हालात को सुधारने से पहले मेरी आपकी पहले इस्लाह होनी चाहिए। इंशाल्लाह बोलो, हम अपनी इस्लाह पहले, मेरी आपकी दीनी इस्लाह, समाजी इस्लाह, दुनियावी इस्लाह, माशरती इस्लाह, पहले मेरी अपनी जात से, आपकी अपनी जात से इस्लाह का काम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी इस्लाह कर लेते हैं। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। अल्लाह ने कितनी प्यारी बात फरमाई, अल्लाह ने कहा वो कामयाब हो गया जिसने अपनी इस्लाह कर ली, वो नाकाम हो गया जो दूसरों के पीछे पड़ा हुआ है और अपनी इस्लाह नहीं कर रहा है। मेरा आपका मामला यही है। और एक आयत करीमा में अल्लाह ताला ने यहां तक फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता है जब तक खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना होगे। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। और इकबाल ने इसी को कहा था ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिस कौम को खुद अपनी हालत के बदलने का। तो मेरे भाइयों, आज मेरी, मैं आपको क्या बातें बताऊं, मेरी आपकी दीनी जो सूरत हाल है वो किस कदर खराब है, और हमारा आपका दीन इस्लाम ईमान से रिश्ता कहां तक है, मुझे माफ फरमाए। हमारे घरों में रहने वाली खवातीन हैं, माएं और बहनें बेटियां हैं, मुझे आप बताएं, आपके मेरे घरों में रहने वाली खवातीन है, ये क्या पांच वक्त की नमाज घरों में पढ़ती है? ये क्या ये रोजाना कुरान की तिलावत करती है? ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं, दुआ करें अल्लाह उन्हें जजाए खैर नसीब फरमाए। हमारे पास आने वाली कितनी ऐसी खवातीन हैं, आप 12 बजे आने के लिए सोचते रहते हैं, उम्मत की माएं बहनें 12 बजे जुमा में आ जाती हैं, हालांकि जुमा फर्ज नहीं है, शौक इतना ज्यादा है वो 12 बजे अल्लाह के घरों को आ जाती हैं। हाय अल्हम्दुलिल्लाह, खूबियां बहुत सारी हैं, खामियां उससे कहीं ज्यादा हैं। खूबियां हैं आपके अंदर, खामियां भी कम नहीं है मेरे भाइयों। आप देखें, मेरे आपके घरों में 17-18 साल के बच्चे हैं, ये फजर की नमाज कितने पढ़ने के लिए आते हैं? मुझे आप बताएं, अगर ऐलान कर दिया जाए फला जगह निकलना है, फला जगह जाना है, सबको निकलना है, सारी कौम निकल जाएगी, अल्लाह की कसम है। इन्हीं लोगों से कहा जाए कल फजर की नमाज में सबको आना है, मुझे माफ फरमाए कितने लोग आएंगे? सियासत हम पर इस तरह गालिब है, सियासत में इस कदर हम डूबे हुए हैं, अगर कोई ऐलान कर दिया जाए फला जगह रैली है, सबको निकलना है, सब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के निकलोगे, वही एक मौलवी एक आलिम अगर ऐलान कर दे कल फजर की नमाज में सबको आना है, मुझे बताएं कितने लोग आएंगे मेरे भाइयों? ये हमारी जो दीनी सूरत हाल है ना, ये इस कदर खराब है, ये इस कदर खराब है। याद रखो, दीन अपनाओगे अल्लाह दुनिया देगा, इंशाल्लाह बोलो। याद रखो, दुनिया अपनाने से कभी दीन और आखिरत नहीं बनती है, दीन अपनाने से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी तुम्हें देगा और कामयाबी अल्लाह ताला करेगा, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, हमारे अकायद की बात ले लो, अकीदा मुसलमानों का खराब, हमारी इबादत में ले लो, इबादत में सुस्ती है, काहली है, कुछ बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी है, मगरिब में हमारे पास 5 से 6 सफ लोग आते हैं, जुमा में इतनी बड़ी तादाद आती है। मैं दुआ करता हूँ आप
दुआ कीजिए अल्लाह उनकी इबादत को कबूल फरमाए। मामलात हमारे कितने खराब हैं, मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता हूं, एक मुसलमान आज दूसरे मुसलमान के साथ लेन देन करने से घबराता है, हमारे मामलात इस तरह खराब है, जानता है अगर मैंने इसको पैसा दे दिया वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। यह तस्वीर आपने मुल्क में बना करके रखी है। आज गैर मुस्लिम यही बोलता है। मैं आपको बताऊं और मैं सुभान अल्लाह वक्त देख रहे हैं मैं क्या बातें बताऊं। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी कैसे अमीन थे सुभान अल्लाह। सारा मक्का दुश्मन है, आपकी जान लेने के लिए तैयार है, आप मक्का से निकल रहे हैं। निकलने से पहले आपने अली इब्ने अबी तालिब को वसीयत की कि ऐ अली, मक्के के कई दुश्मनों का मेरे पास माल रखा हुआ है, अमानतें रखी हुई है, ऐ अली मैं यहां से जाऊंगा, मेरे मदीना पहुंचने से पहले लोगों की अमानतें वापस कर देना। ये हमारे नबी अकरम थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आज एक हम है कि एक गैर मुस्लिम तो छोड़ो, एक मुसलमान भी हमारे साथ लेन देन करने से घबराता है, डरता है, कतराता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा अगर मैंने इसको कहीं दे दिया, कर्जा दे दिया या अमानत दे दी तो ये हड़प कर जाएगा। और सुनो, मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है खुतबा, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूं, याद रखो। बेंगलोर के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, दुआ करे, नाम नहीं लूंगा, दुआ करे अल्लाह उनको सलामत रखे, खिदमत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की। उन आलिम दीन ने ये अपने गांव अपने शहर का वाकया बताया, कहा एक गैर मुस्लिम नौजवान मेरे वालिद के पास आया और आकर के कहने लगा, कहा कि आपके वालिद, उनके वालिद से कहने लगा, कहा कि आपके वालिद को मुसलमानों में नहीं पैदा होना था, गैर मुस्लिमों में पैदा होना था। मौलाना हड़बड़ा गए, कहा ये कैसे, कहा मैं भी मुसलमान हूं, मेरे वालिद भी मुसलमान है, और तू कह रहा है मेरे भाई, गैर मुस्लिम कह रहा है कि तुम्हारे वालिद को मुसलमानों में पैदा नहीं होना था। पूछा क्यों, कहा उस गैर मुस्लिम ने कहा, मैंने जितने मुसलमानों से लेन देन किए हैं, मैंने कारोबार किया है, सब मुझे फ्रॉड निकले हैं, सब मुझे धोखेबाज निकले हैं। मौलाना तुम्हारे वालिद एक ऐसे शख्स है जो रुपये रुपये का, पैसे पैसे का, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, इसलिए मौलाना तुम्हारे वालिद को गैर मुस्लिमों में पैदा होना चाहिए था, मुसलमानों को मैंने फराट पाया है। ये तुमने तस्वीर बनाई है, ये मेरी तस्वीर है, ये आपकी तस्वीर है। इस मुल्क में रहने वाला गैर मुस्लिम मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचता है और आप रोना रोते हैं, आप रोना रोते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, भीख मांगूंगा, 5 मिनट मेरे पास बाकी बचे हैं और मैं बहुत कुछ लिख करके लाया था, मौजू तो मुकम्मल नहीं होगा, आइंदा जुमा जरूर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं यही पैगाम देना चाहूंगा, हम ऐसे बन जाए, अल्लाह की कसम है, अपनी इस्लाह ऐसे कर लो, इबादात में, मामलात में, ताल्लुकात में, रहन सहन में ऐसे कर लो, लोग अपने सरों पर तुमको बिठाए इंशाल्लाह। बोलो, लोग यहां के गैर मुस्लिमीन तुम्हें अपनी पेशानियों का झूमर बनाए इंशाल्लाह। बोलो, इस तरह बनो मुसलमानों, तुम्हारे ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए, तुम्हारा किरदार वो आईना बन जाओ आईना, कि यहां के रहने वाले गैर मुस्लिम तुम्हारे अंदर अपनी शक्ल देखे सुभान अल्लाह। वो तस्वीर बन जाओ, वो कैरेक्टर, वो सीरत बन जाओ कि तुम्हारे सीरत में यहां के गैर मुस्लिमीन ढल जाए इंशाल्लाह तबारक व तआला। कैसे, कई बार ये बात आई है और हमेशा आती रहेगी, सिद्दीक अकबर, क्या नाम मैंने लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए, यह कैसी अजीमुशान शख्सियत है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आता है कि जब मक्के में सुभान अल्लाह इबादत करना, जिक्र करना, अस्कार करना, नमाजें पढ़ना मुश्किल हो गया, हालात तंग हो गए, मक्के में रहना दूभर हो गया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का छोड़ करके जाने लगे मक्का छोड़ करके। रास्ते में इब्नु दुगन्ना नाम एक शख्स मिला, क्या नाम है, इब्नु दुगन्ना नाम याद हो, काफिर है ये सुभान अल्लाह, मक्के का रहने वाला है। इब्नु दुगन्ना नामी शख्स मिला, इब्नु दुगन्ना ने कहा अबू बकर कहां जा रहे हैं, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा क्या करूंगा मक्के में रह करके, यहां नमाज पढ़ने नहीं देते हो तुम लोग, जिक्र अज़कार करने नहीं देते हो, कुरान पढ़ने नहीं देते हो, मुझे मक्का में रहना ही नहीं है, मैं छोड़ करके जा रहा हूं। मैंने कहा यहां लोगों की पेशानियों का झूमर बनो तुम, जैसे अबू बकर थे
थे, इतने वज़नी बन जाओ। इब्न दुगन्ना ने क्या कहा, मिसल का या अबा बकर, मिसल का या अबा बकर ला यखरुज वला युखन। ऐ अबू बकर, आप जैसी शख्सियत मक्का से नहीं जा सकती है, सुभान अल्लाह, ना आप जा सकते हैं ना हम आपको जाने देंगे। आपके जाने से मक्का की अजमत कम हो जाएगी, सुभान अल्लाह, मक्का की रौनक या कम हो जाएगी, मक्का की शान कम हो जाएगी। इब्न दुगन्ना ने अबू बकर का हाथ पकड़ा, मक्के में लेकर के आया, काफिरों को जमा किया, जमा करके कहा आज से अबू बकर मेरे मकान में रहेंगे, कोई अबू बकर पर जुल्म तशद्दुद नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मैं यही पैगाम दूंगा, यह आज के खुतबे जुमा का पहला पैगाम है। हालात बिगड़े हुए हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, मैं अपनी और आप अपनी दीनी जो सूरत हाल है वो पहले दुरुस्त करें इंशाअल्लाह ताला। दीन के बदले में अल्लाह आपको दुनिया देगा इंशाअल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। और दूसरी और आखिरी बात जो जल्दी से मैं 3 मिनट में कह करके बात ख़त्म करूं, वो ये है, हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो कभी मायूस नहीं होना इंशाअल्लाह, बोलो, हिम्मत नहीं हारना, पस्त हिम्मत नहीं होना, हौसला नहीं हारना, हिम्मत हालात का सामना और हालात का मुकाबला करना, सुभान अल्लाह, ये कभी भी याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। अल्लाह ने फरमाया फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह ने कहा जहां जहां कुशादगी है वहां तंगी है, जहां तंगी है वहां कुशादगी है। आज जुमा है, कल हफ्ता आएगा या नहीं आएगा, आज रात है, सुबह दिन होगा या नहीं होगा इंशाल्लाह, यह आपको तय करना है कि रात आप कितनी देर, आप रात कितनी लंबी और कैसे गुजारना है, यह आपको तय करना है। लेकिन याद रखो, रात के बाद दिन आएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला, जुल्म का भी खात्मा होगा, जालिमों का भी खात्मा होगा इंशाल्लाह, बोलो, ये अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है। मेरे भाइयों, अंधेरे के बाद उजाला, कुफर के बाद जो है नूर और तारीकी के बाद उजाला आएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है मेरे भाइयों। इसलिए और मैं बताऊं मक्के के हालात सुभान अल्लाह कैसे थे, खब्बाब इब्न अरथ, बिलाल हबशी, सुहेब रोमी, अम्मार बिन यासिर, सुमैया रदी अल्लाह तआला, ये सब मक्के के हालात है। मैंने एक जुमले में बात कह दी, सुभान अल्लाह, इसे बयान करने के लिए आधा आधा घंटा चाहिए। ये मक्के के हालात, खब्बाब इब्न अरथ आए प्यारे नबी मोहम्मद अरबी के पास आकर के क्या कहा, या रसूल अल्लाह मता नसरुल्लाह, या रसूल अल्लाह मक्के में मदद कब आएगी, कब तक पीसे जाएंगे, कब तक जुल्म और सितम की चक्कियों में पीसा जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, खब्बाब इन्नकुम लतस्ताजिलूना, तुम बड़ी जल्दी कर रहे हो, बड़ी जल्दी कर रहे हो। कहा खब्बाब, एक वक्त आएगा जब इसी मक्के में तुम्हें पीसा जा रहा है, एक वक्त आएगा जब मक्का अल्लाह तुम्हारे हाथों में करेगा इंशाल्लाह। और हुआ कि नहीं हुआ, मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ मेरे भाइयों, मक्का फतह हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह ये बात की, अल्लाह ने तालीम दी, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के निकले, सुभान अल्लाह, नबवी निगाह कैसा है, दूरस निगाह, नबूवत की निगाहें कैसी होती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के निकले, सामने दरिया है, पीछे फिरौन की फौज है, उनके मानने वालों ने कहा मूसा इन्ना लमुद्रिकून, आज हम पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कल, क्या बोले, हरगिज नहीं, इल्ला मैया रब्बी सयहदीन, यकीनन हमारा रब हमारे साथ है और अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ने मदद की। इस हवाले से बेशुमार बातें अल्लाह के कलाम में और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है, ये मैंने बड़ी जल्दी